ओ भाई साहब, यो ने बच गए तो वो ने एचपी आ गया। चार नंबर खेल के भी फंसे हैं इतना तगड़ा। भाई 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 हेलो गाइस, आज आप लोग देखेंगे रैंडम टीममेट्स मेरा गेम देख के कैसे रिएक्ट करते हैं और लो एंड डिवाइस पर भाई गेम स्कोर रिकॉर्ड दे करने से क्या दिया। दिक्कत होता है। चलिए शुरू करते हैं और एक धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले। म्यूजिक बताए मैं कौन हूँ? शंका शंका उस्ताद स्मार्ट शंका। तूने ही अपने को मारा था ना? मैंने कब मारा था तुझे? तू तो अब भी जिंदा है। चिच्चा कहानी नहीं सुनाने का चिच्चा, अब उनके दिमाग में भी दिमाग है। अभी अपन है उस्ताद डबल स्मार्ट शंकर। एंट्री होता है स्कूल अपार्टमेंट, आसपास ढेर सारा बंदा। चले पहले लूट कर लेते हैं। ऊपर लूट नहीं मिला मेरे को, नीचे जा रहे हैं। इसे लड़ मिला, सामने वाला घर में बंदा है। हल्का डैमेज तो होता है लेकिन नॉक नहीं होता है, तो फिर से हम लूटने के लिए चला जाते हैं। लेवल 3 का हेलमेट भी मिल गया, अब UMP भी मिल गया, तो अब घुसते हैं। सामने वाला घर में बंदा, अंदर जाने के बाद पता चलता है कि पूरा स्क्वाड बैठा है, तो इसलिए हम होल्ड कर रहे थे क्योंकि चारों के चारों बंदा ऊपर ही है। अब मेरे को आगे जाके पता चलेगा कि ये चार बंदा अलग अलग स्क्वाड का था, इसलिए हम रिस्क नहीं ले रहे थे। हम राइट से रोटेट करके घुसने की कोशिश करते हैं। एक बार देखने की कोशिश किए तो सीढ़ी पे है कि नहीं, लेकिन कोई नहीं है। राइट में है, लेफ्ट में भी फुटस्टेप आ रहा है, तो मेरे को पता था लेफ्ट राइट दोनों साइड में बंदा है। तो एक गेट पे हम ग्रेनेड करते हैं। ये वाला नॉक हुआ, मेरे को पता है लेफ्ट में भी बंदा है, तो इसीलिए हम नहीं जा रहे थे। हम हील कर रहे थे लेकिन मेरा टीममेट ही नॉक हो जाता है। लेफ्ट वाला स्क्वाड डाउन, अब राइट वाला बचा है। उससे पहले मेरा टीममेट्स को रिवाइव दे देते हैं। हम एक स्मोक कर देते क्योंकि मेरे को लूटना है, तो स्मोक करना ज़रूरी है क्योंकि राइड में बंदा है। इन लोगों का क्रेट से तो मेरे को कुछ नहीं मिला, तो हम सोचते ऊपर जाके हिल कर लेते। इसी टाइम पे मेरा रैंडम टीममेट्स अंदर घुस जाते हैं और नॉक भी हो जाता है, तो इसको बचाने के लिए मेरे को घुसना पड़ेगा। वॉच आउट, वॉच आउट। चलिए देखते इसको बचा पाते हैं कि नहीं। मेरा रैंडम टीममेट्स को कंधे पे लेके गया। चलिए डाउन, अब इसको हम रिवाइव देने के बाद नीचे ही जा रहे थे, नीचे से और एक बंदा आ रहा है, इसको पूरा फिनिश कर awesome. देते हैं और इसका क्रेड लूट। और एक आया, ये भी डाउन। अरे भाई तू कितना बार नॉक होगा भैया, नॉक होने का रिकॉर्ड बनाना चाहता है क्या? चलिए कोई बात नहीं, इसको फिर से रिवाइव देते हैं। अब सामने वाला अपार्टमेंट में बंदा है, तो इसीलिए हम हील कर लेते हैं, करके एक मॉली भी कर देते हैं क्योंकि मेरे को लग रहा है उधर बंदा हो सकता है, लेकिन उधर नहीं है, तो फिर हम बूस्ट करके घुस जाते हैं। ये किसी और का किल था, किल चोरी कर लिया। एक स्मोक कर देते हैं,
चलिए अब घुसते हैं। On me. बाहर से भी कोई आ रहा है? तो हम बाहर निकल जाते हैं। बंदा ऊपर चला जाता है, सीढ़ी पे बैठा है। भाई इसको तो रिकॉर्ड बनाना ही चाहिए था। चले कोई बात नहीं, सामने डीबीएस लेके बैठे तो हम डायरेक्ट उसके ऊपर रश नहीं कर सकते, सबको पता है डीबीएस का पावर कितना है। तो हम आराम से इधर उधर देख के जा रहे थे, सामने हम एक स्मोक कर देते क्योंकि उसका विजन ब्लॉक करना है, उसके पास डीबीएस है और इसका क्रेट से मेरे को स्कारेन मिल जाता है। तो स्कारेन लेने के बाद हम घुस जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक गॉड आता है। चलिए अब ऊपर वाले बंदे का बाड़ी है, उसके पास डीबीएस है इसीलिए मेरे को डर भी लग रहा था। और सामने वाले घर में भी बंदा है। डीबीएस वाले को मेरा टीममेट्स नहीं मार देता है दूर से, तो हम बाहर गए थे हीलिंग उठाने के लिए, लेकिन इधर से मेरे को कोई गोली मारता है, इसको तो इजीली नॉक कर देते हैं। और सामने से एक गाड़ी भी आ जाता है, उससे पहले हम हील कर लेते हैं। अरे फिनिश होने के लिए सामने भी आ जाता है, शायद ये अकेला बंदा था उधर। अब गाड़ी वाला मेन बिल्डिंग में आ गया तो इसीलिए हम आगे आ जाते हैं। मुझे आगे आके पता चलता है कि सामने वाला घर में भी बंदा है, मेन बिल्डिंग में भी बंदा है। तो हम ओपन में जाने का रिस्क नहीं लेते, तो इधर होल्ड करते हैं। एक बॉट आ रहा है, इसको फिनिश करते हैं और घुस जाते हैं। ओ भाई साहब क्या ही बचे, मेरे टीममेट्स भी नॉक हो जाते हैं। अब हम अकेले हैं पूरा, इधर तो बहुत सारा फुटस्टेप आ रहा है। हम देखने की कोशिश कर रहे थे बंदा कहाँ पे है। मेन बिल्डिंग में ना बंदा ऊपर आ जाता है, तो इसीलिए हम सीढ़ी पे जाने का रिस्क नहीं लेते हैं। एक बार देखने की कोशिश की उधर बंदा है कि नहीं। सीढ़ी पे ने तो नहीं जा सकते अभी, पीछे से बंदा आ रहा है। सामने एक बंदा टीपी भी ले रहा था, तो इसलिए हम घुस जाते हैं। इसको तो नॉक फिनिश कर देते हैं, और मेरा हीलिंग भी नहीं है तो हील कर लेते हैं। हील करने के बाद सामने एक रैंडम स्मोक कर देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। राइट से बंदा आ रहा है, इसको भी इजीली मार देते हैं। अब ऊपर सीढ़ी पे बंदा बैठा पड़ा हुआ है, तो इसको घुस के मारना पड़ेगा। इसको मारने के बाद पता चलता है कि ऊपर और दो बंदा आ चुका है, तो हम ग्रेनेड निकाल के मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ग्रेनेड ऊपर नहीं जाएगा तो इसलिए हम छोड़ देते हैं। फिर से एंगल देखने की कोशिश कर रहे थे कहाँ से उसको मार सकते हैं, लेकिन एंगल नहीं दिख रहा तो सीढ़ी पे एक स्मोक कर देते, क्योंकि ऊपर से एंगल बन जाते हैं सीढ़ी पे कोई होता है तो। बंदा कूदता है नीचे, सामने ही है, इसको इजीली नॉक कर देते हैं। और नीचे और एक बंदा आ जाता है। इधर हम एक बहुत बड़ा गलती कर देते हैं, देखिए हम क्या गलती करते हैं। हम सोचे थे सामने वाला घर में ग्रेनेड करेंगे, लेकिन गलती से दीवार पे लग के मेरे ऊपर ही आ जाता है। लो भैया खत्म। चलिए और एक मैच खेलते हैं, मेरा टीममेट अंदर नॉक हो जाता है। अब अंदर जाते हैं हम, इसको नॉक फिनिश कर देते हैं। हम बूस्ट करते हुए आगे जा रहे थे, लेकिन राइट से फुटस्टेप आता है मेरे को। ये बंदा इधर सांप बना हुआ था। अब आगे जाते हैं क्योंकि रेडियो टावर के पास बंदा था, मेरे को पता है। क्या नाम से बंदा? सामने बीआरडीएम। अब सामने से बीआरडीएम लेके आ रहा है बंदा। हम गोली इसीलिए करते कि मेरे को अकेला देख के वो लोग रुक जाएं, और वही होता है सामने रुक जाते हैं, और वही होता है सामने बंदा रुक जाता है। तो चलिए आप उन लोगों को मारते हैं। अरे इधर मेरा टीममेट्स का रिएक्शन सुनना। अंदर झंडे बंदा चार सात एक नॉक एक ग्रेनेड करते हैं। बम भगा दे।
ग्रेनेड सही था लेकिन कुछ नहीं होता है, सब घुस को मारना पड़ेगा। और एक नॉक, क्या नंबर बढ़िया, तीसरा नॉक। ओ भाई साहब क्या ही लोचन मिला है भाई। अब मेरा टीममेट्स का रिएक्शन सुनो। और एच ओ भाई साहब, ये वन एच बच गए तो वन एच पी आ गए। क्या नंबर खेल के भी होते हैं इतना तगड़ा भाई भाई भाई। गाइस ए वाला क्लच के लिए लाइक तो बनता है, अगर अभी तक कोई लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अगर कोई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो। आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हम लोग इधर से निकालने वाले थे लेकिन उसी टाइम पे गाड़ी आ जाते हैं, तो हम आगे आके देखने की कोशिश करते हैं गाड़ी कहाँ पे है। सामने गाड़ी, एक बंदा नीचे कूद जाता है और एक बंदा गाड़ी लेके भाग जाता है। एक बंदा उतरा ही है सामने ही कहीं पे लेटा है, तो इसीलिए हम ओपन में नहीं जाते हैं। एक मॉली करते हैं, सामने ही कहीं पे लेटा है। चार नंबर वाले ग्रेनेड करते हैं। ग्रेनेड से बंदा नॉक हो जाता है। बढ़िया भाई बढ़िया। हम आगे जा रहे थे, एक बंदा रोटेट कर चुका था शायद, उसे को मेरा टीममेट्स मार देता है। रियल बंदा है, रियल बंदा है। ओ भाई साहब इधर मारो ना, लेकिन कोई बात नहीं, मेरा टीममेट्स मेरे को बचा लेता है इधर। भाई 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 मार दे मार दे मार दे दिखाई में। अब देखिए मेरे साथ क्या होता है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा था। ऊपर से अजीब सा साउंड भी आ रहा था, मेरा कान फट जा रहा था पूरा, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, मेरा स्किन पूरा रुक जाता है। तो हम मेरा टीममेट्स को बोलने की कोशिश कर रहे थे भाई मेरे को थोड़ा सेव रखना, हम एक बार रिस्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। तो लोग बोलता है ठीक है चलो, तो हम रिस्टार्ट करने के लिए जाते हैं। रिस्टार्ट करने तो जाते हैं लेकिन फ़ोन काम नहीं कर रहा था, टच भी काम नहीं कर रहा था, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। अब पता नहीं ये सब क्या चीज़ है, लेकिन फाइनली ओपन होता है पबजी। ओपन होने के बाद मेरा टीममेट्स बताता है कि पीछे बंदा है, तो हम रुक जाते इधर, तो ढूंढने की कोशिश करते हैं बंदा एग्जैक्टली है कहाँ पे। तो सामने से फुटस्टेप आता है, ऊपर बंदा है, वो रहा पिछले रखा है, इसको इजीली मार देते हैं। लेकिन आगे जा रहे थे हम ड्राइव करके, सामने बंदा एक नॉक, एक को हमने मारते हैं, दूसरे को मेरा टीममेट्स ने मार देता है। और ज़्यादा बंदा बचा नहीं था, तो हम लोग इधर उधर घूम रहे थे लेकिन बंदा नहीं दिख रहा था। मतलब बहुत ढूंढने के बाद मेरा टीममेट्स ने बताया कि सामने एक बंदा है, तो हम अकेला ही चला जाते हैं। गलती से मेरा टीममेट्स भी नॉक हो जाता है। सामने भाई वो डैमेज मारो उसको, मारो आई ये मारो बढ़िया बढ़िया। ये वाला चिकन डिनर के साथ आज का गेम प्ले इधर ही खत्म होता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हो सके तो फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते और एक धमाकेदार लोचन वाला गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।